ऊपर से नीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो चैंग का जो सीनियर जो होता है वो स्मोकी का फायदा उठाता है कि वो इस व्हाइट टाइगर अपने आप को रिकवर कर रहा है तो उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन उस व्हाइट टाइगर को पता चल जाता है कि ये उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो अपनी अपनी रोड से उसे डराने की कोशिश करता है, उसे दूर फेंक देता है और फिर वो चैंग का सीनियर दूर जाके गिरता है। फिर तभी वो जो सीनियर होता है वो कहता है कि ये तो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये अपने स्टार किंग लेवल के एकदम पीक पे है, मैं इसे ऐसे ऐसा नहीं हरा सकता, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, अगर मैं एम्परर स्टेज के हाफ एम्परर स्टेज पे भी होता ना तो भी थोड़ा काम चल जाता। पर वेट एक मिनट, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ये स्टार किंग लेवल के पीक पे है तो फिर आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं करा, ये मेरा गेम तो पहले भी खत्म कर सकता था तो भी ये रुका हुआ है, ऐसा क्यों? वो कहता अरे हाँ अब मुझे समझ आ गया क्योंकि किंगशी एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, उसके पास रॉयल ब्लड लाइन है जिसके कारण उसके पास चारों चारों स्टार बेस्ट की पावर है, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज कम्पेयर एक पत्थर से तो दुगनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इस वाइट टाइगर को उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा अपनी खुद की पावर लग रही है जिसके कारण ये अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, इसलिए तो ये अभी चाह के भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ये उसे डाइजेस्ट करने में अपनी आधी पावर लगा रहा है और आधी पावर मुझसे फाइट करने में, ये मुझे फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। हम देखते हैं किंगशी को जो कि उसके डाइजेशन सिस्टम के एकदम कनोर पे आके ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो कहता मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है और फिर तभी वहाँ पे वो जो स्टोमच होता है उस वाइट टाइगर का वो हिलना शुरू कर देता है, वहाँ पे बाढ़ आने लगती है जिससे वो बहुत घबरा जाता है। हमारा किंगशी कहता है इसका स्टोमच हिल रहा है, एक मिनट कहीं ये मुझे डाइजेस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लगता है ये मुझे डाइजेस्ट करने वाला है, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को डाइजेस्ट होने नहीं दूंगा। और फिर वो फिर से अपनी ग्रीन ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फिर से बर्फ में जमा लेता है और फिर हमारा किंगशी जैसे तैसे करके उस वाइट टाइगर का जो पीछे का जो गेट होता है वहां में से बाहर आ जाता है, आप समझ गए होंगे। और फिर तभी हम देखते हैं वो वाइट टाइगर अपने आप को बड़ा अच्छा सा फील कर रहा होता है ये देख के, वो जो सीनियर जो होता है वो कहता है लगता है इसकी पावर रिकवर हो चुकी है, लगता है इसने शायद किंगशी को मार दिया होगा, अरे नहीं लगता है अब मुझे इसे सामना करने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड निकालना होगा। और फिर तभी वो अपने पास से एक पिल निकालता है, वो कहता है मैं इस पिल का यूज़ तो नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बहुत रेयर है, पर लेकिन अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि मुझे इसका करना होगा, ये एक स्टार एम्परर लेवल की पिल है जो कि अगर जिसे मैं खाऊंगा तो मेरी करंट पावर लेवल के हिसाब से मैं स्टार हाफ स्टार एम्परर लेवल पर पहुँच जाऊँगा, मतलब कि हाफ एम्परर लेवल पर पहुँच जाऊँगा। फिर वो खाता हुए कहता है पर लेकिन इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इसे सिर्फ और सिर्फ आधी घंटे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये पिल का जो टाइमलाइन है टाइम लिमिट है वो सिर्फ आधी घंटे के लिए, मतलब कि 30 मिनट तक ही मैं अपने आप को एम्पर लेवल पे पहुंचा सकता हूं, प्रमोट कर सकता हूं, बाकी बाद में जैसे मैं अपने वापस नॉर्मल फॉर्म में आऊँगा टाइम खत्म होगा तो मेरी आधी कल्टिवेशन क्रिपल हो चुकी होगी। और फिर वो जैसे ही पिल खाता है आप देख सकते हैं उसके मसल्स एकदम बाहर आ जाते हैं, अचानक से उसकी बॉडी शोडी आ जाती है, उसके शरीर में एकदम खतरनाक गॉड लाइक पावर फ्लो करने लगती है, वो बहुत खुश होता है, वो कहता है मैं फील कर सकता हूँ, आय हाय हाय क्या पावर है, सच में गॉड लाइक पावर है, तो ये होती है हाफ एम्परर स्टेज के बंदे की पावर, सच में ये बहुत ज़्यादा है। और फिर वो कहता है तो ठीक है अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है इसे हराने के लिए, मुझे इसे अभी कभी हराना होगा। और फिर वो कहता है कि मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, वो अपने स्पेयर की मदद से उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और फिर हम देखते हैं किंगशी को जो कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद बड़ा दूर एक चट्टान से जाकर टकराता है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हमारा किंगशी कहता है मैं बड़ा बार बार बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, वो टाइगर अपने स्टार किंग लेवल के पीक पे है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे एक स्टार एम्परर लेवल का बंदा ही हरा सकता है, यानी मैं अपने करंट पावर लेवल के हिसाब से उसे नहीं हरा सकता, पर लेकिन मुझे जानना है कि कार वो दोनों वहाँ करके आ रहे हैं। वो कहता है पर लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द बैटल फील्ड में वापस जाना होगा, मुझे देखना होगा कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार उन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, क्या उन दोनों के बीच में फाइट हो रही है या नहीं। और फिर सीन आता है कुछ देर बाद का जहाँ पे हम देखते हैं उस सीनियर ने अपने स्पेयर को उस वाइट टाइगर के गले के अंदर घुसा रखा होता है और उस वाइट टाइगर को वहाँ मार दिया होता है, उसकी खुद की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, उसके शरीर को बहुत ज्यादा इंजरीज आई होती है और यहाँ तक कि उसका टाइम लिमिट भी खत्म हो चुका होता है। कहता है फाइनली आखिरकार मैंने एक स्टार किंग लेवल के बंदे को एक स्टार किंग लेवल वाले एक वाइट टाइगर को मैंने अपनी खुद की पावर से मार ही दिया, सच में ये मैंने खुद मारा है इसे अकेले रह के। वो कहता मुझे यकीन नहीं होता ये मैंने खुद ने मारा है, यानी कि ऐसे मैंने हाथों किंगशी भी मर गया और इसी द्वारा ये वाइट टाइगर भी मिल गया, यानी मैंने अपने मिशन भी पूरा किया और साथ साथ बहुत सारे पॉइंट भी गेन कर लिए, सच में आज का दिन तो लाजवाब है, भले ही मैंने अपने जूनियर चैंग को मार दिया पर फिर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं मिली। वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, वो कहता भगवान तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मैंने भले ही अपनी हाफ कल्टीवेशन का सेक्रीफाइस दिया है पर फिर भी सच में मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट गेन कर लिए, मैं फाइनली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही गया। और जब वो ये सारी बातें करके हंस ही रहा होता है तभी अचानक से एक तलवार आता है उसके सीने में घुस जाती है जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है और इस तलवार को देख के पहचान ही गई होगी ये किसकी है। जी हाँ हमारा किंगशी वहाँ आ जाता है।
हमारा किंगशिप वहाँ अपियर होता है। वो कहता है सॉरी बड़ी, तुम्हारे जो खुशियों के दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उसे देख के वो कहता है तुम जिंदा हो। फिर वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ। क्या क्या तुर्क, वो मुझे देख के खुशी नहीं हुई, हैरानी नहीं हुई ज़्यादा। लगता है तेरी हालत बहुत ख़राब है, देखने से ऐसा लगता है तूने इससे मार दिया है। कोई ना, तेरे को मार के तेरे पॉइंट में अपने आप ले लूँगा, तेरी आत्मा को शांति मिले। वो कहता है तू टेंशन मत ले, तेरे मारने के बाद तेरे परिवार का ध्यान मैं रखूंगा, तू टेंशन मत ले। और दूसरी बड़ी बात, मैं तेरे को यहाँ मार दूंगा तो ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि तू मुझे मारना चाहता था, तेरा खेल अब यहीं ख़त्म करना होगा। और फिर वो अपनी तलवार की मदद से उसे वहीं के वहीं मार देता है। और फिर एक चीज जाता हुआ कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा और बढ़ाना होगा इस जैसे बंदों से निपटने के लिए। फाइनली मैंने इसे मार दिया और इसके द्वारा मुझे बहुत सारे पॉइंट भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसने वाइट टाइगर को मारा है, इसके पॉइंट अब मेरे पॉइंट, यानी मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ, यानी मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।